शाम को मुख्य विषय इन्फॉर्मेशन में सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति हैं जो सोमनपुर से एक मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, जिनके पास गांजा होने की सूचना थी। सूचना पे थाने से यूनुस सब इंस्पेक्टर, मुकेश एएसआई और जाप्ता, इन्होंने मुताबिक की मुखबिर सूचना के एचएमटी तिराए पे नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान एक ब्लूट मोटरसाइकिल है, इसको रोका और उस पर दो लड़के सवार थे जिनको तलाशी ली गई। तो उनका नाम कश्यप, कपिल कश्यप, जिसके कब्जे से 220 ग्राम गांजा, और दूसरा सलीम चीता जो सोमलपुर का रहने वाला है, उनके कब्जे में 1 किलो 500 ग्राम गांजा मिला है। ये सोमलपुर से लेके आए थे और बेचने के लिए यहाँ अजमेर शहर में आ रहे थे। करीब 20,000 करीब मूल्य है इनका। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अरेस्ट कर लिया और अनुसंधान कर रहे हैं।